तो हमें चलना है अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में आना है। अब जैसे ही डाउनलोड्स में आते हैं, यहाँ पे आपको देखना है क्या आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर डिलीट करना है एनी डेस्क। तो इसे सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, इस पर डिलीट पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ऐसे डिलीट नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे क्रॉस कर देना है, कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली बैक आना है, तो यहाँ पर देखो अनइंस्टॉल चेंज अप प्रोग्राम लिखा है, इस पर क्लिक करना है। तो आपके लैपटॉप या पीसी जो भी है जिसमें जितने भी फाइल्स होंगे सारे के सारे फाइल्स आ जाएंगे आपके सामने। तो आपको इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा फाइल आपको डिलीट करना है। जैसे कि मेरे को इसमें अभी डिलीट करना है, मेरे को डिलीट करना है इसके अंदर एनी डेस्क को डिलीट मारना है। तो मुझे इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा और चेंज नहीं करना है, अनइंस्टॉल करना है। इस पर अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस हो रहा है, देखते हैं, होने देते हैं। तो ये हो रहा है अभी, और इसमें जितना टाइम लगे लगने देना, ये नहीं कि हमने क्लिक कर दिया और अनइंस्टॉल नहीं हुआ, वो अनइंस्टॉल पूरा करना। आप देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है निबो रिमूव का, तो इस पर क्लिक कर देना है, हमें हर जगह से हटाना है, अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है हमें। ये सब में नहीं आता, किसी किसी में आता, बट सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है। तो आपको अनइंस्टॉल पे क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर देना है। ये अभी अनइंस्टॉल हो रहा है, इसमें टाइम लग रहा है, इसमें 4-5 सेकंड का टाइम लगता है, बस एक बार रिफ्रेश कर लें। तो देख सकते हैं आप इसमें से डिलीट हो चुका है वो। तो इतना करने का नहीं, और भी करना है इसमें, वो तीन जगह सेव होता है आपको। फिर यहाँ पर डाउनलोड्स पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ से इसको जैसे एनी डेस्क है इसको यहाँ से डिलीट मारना है। तो ठीक है, मैं यहाँ से भी इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको दो जगह और दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया सिंपली, अब मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, ये ओके करने वगैरह है, ओके कर दिया, देखो यहाँ से गायब हो गया है। बट इस जगह हो सके तो वो चीज़ हमें एनी डेस्क दिखाएगा। तो हम यहाँ पे भी देख लेते हैं एनी डेस्क, देख सकते हो आप यहाँ पे नहीं आ रहा है एनी डेस्क। कभी कभी होता है कि यहाँ से हटता नहीं है, और एक विंडो पे से हटता नहीं है, मतलब डेस्कटॉप पे से, और यहाँ से एक हटता नहीं है, यहाँ से आप सिंपली हटा सकते हैं। अगर आप इस तरह करते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंप्यूटर में जाके अनइंस्टॉल चेंज अप प्रोग्राम में जाते हैं और यहाँ से डिलीट मारते हैं, तो उसको कहीं नहीं रहता है। अगर आप सोच रहे हो नहीं भाई हम यहाँ पे आते हैं कंप्यूटर में डाउनलोड्स में जाके उसे डिलीट मार देते हैं, तो यहाँ से डिलीट हो जाता है, बट वो रनिंग करता रहता है, लैपटॉप में इंस्टॉल होता है, या पीसी जो भी है आपके पास उसमें इंस्टॉल नहीं होता, इंस्टॉल ही रहता है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो एक बार इसे रिफ्रेश मार के देख लेते हैं, देख सकते हैं आप कहीं नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे सर्च भी मारूं एनी डेस्क तो नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं एनी डेस्क मैंने सर्च किया, नहीं आया, ये इसका कोई रिलेटेड फाइल है इसलिए आ गया है।